हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। तो गई जैसा कि आप थंबनेल में देख लोगे कम इसके बारे में आप बात करने वाले हैं। तो गई हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है हिफी बाजार। आप लोग इस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से यूज कर पाओगे। यहाँ पे हम जो भी आपको यहाँ पे जो भी मतलब इस एप्लीकेशन में डाउट रहे, जैसे कि एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, एप्लीकेशन में कैसे वर्क करना है, कैसे शॉपिंग करना है, जो भी डाउट है आज यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। तो गई सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल की घंटी भी दबा लो ताकि आपके पास नए नए वीडियो नोटिफिकेशन जो है ना हमेशा मिलते रहे। सबसे पहले मैं अपना मोबाइल फोन का जो स्क्रीन मैंने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे बहुत ही आसानी पड़े। और हाँ गाइस, इस रिकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन के रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। तो स्क्रीन हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे hifibazaar.com को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा इजीली। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वेट करने के बाद यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना। जैसे अलाउ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे अलाउ कर देना, जितनी भी आपको परमिशन मांगेगा आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग हर किस्म के प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे खरीद सकते हो, चाहे लैपटॉप फोन वगैरह कपड़ा वगैरह कुछ भी, किड्स के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे आप लोग अवेलेबल ही है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्लिक करके मतलब बाई कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डिटेक्ट माई लोकेशन। अगर आप लोग इस पे क्लिक कर देते हो ना तो ये आपका लोकेशन जो है ना डिटेक्ट कर लेता है, मतलब ये एप्लीकेशन आपको खुद पता लगा लेगा कि आप कहाँ से हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप लोग इसमें शॉपिंग करना होगा तो सबसे पहले करना कैसे है। देखो गाइस, शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे शॉपिंग कर पाओगे। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आप लोग खुद पता लगा पाओगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बीच में माई अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोलेगा अपना फोन नंबर डालने के लिए, तो जो भी आपका फोन नंबर है यहाँ पे डाल देना। सक्सेसफुल मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर डालकर ओटीपी डालकर यहाँ पे सारा कुछ वेरीफाई कर लिया है, लॉगिन कर लिया है इस एप्लीकेशन में। सबसे पहले अगर आपको इसमें बाय करना है तो आप लोग यहाँ पे देखो एक होम का नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, और यहाँ पे कैटेगरीज और यहाँ पे अकाउंट आपका दिख रहा है, उसके बाद मैं फेवरेट का, उसके बाद कार्ड का। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरीज ओपन हो जाएगी कि मतलब कि आप कैसा चीज लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कंप्यूटर्स पे क्लिक करके कुछ भी कीबोर्ड माउस जो भी है ना आप लोग यहाँ पे शॉपिंग कर पाओगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको अलग अलग प्राइस में यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि कीबोर्ड का प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे शॉपिंग करना है तो आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लेती है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से आपको इस प्रोडक्ट को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे योर सिलेक्टेड पिन कोड, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालकर गाइस पता लगा लेना है कि मतलब ये आपके पास आ पाएगा या फिर नहीं। तो चेक पे क्लिक कर देना। जैसे चेक पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि हाँ डिलीवर किया जाएगा या फिर नहीं। तो देखो मेरे एड्रेस पे ये बोल रहा है डिलीवरी नॉट अवेलेबल, मतलब कि मेरे एड्रेस पे ये लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे इस प्रोडक्ट को। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे एड्रेस पे ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आपके एड्रेस पे डिलीवर करेंगे या फिर नहीं, वो आपके ऊपर है। आप लोग अपना पिन कोड डालकर वहां पे चेक कर सकते हो। बाकी आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके बहुत ही आसानी से यहाँ पे बाय कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। तो इसका एक तरीका है गाइस, आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को सर्च करना है हिफी। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हिफी, HIFI हिफी आप लोग सर्च करोगे ना, HIFI, जैसे कि मान के चलो कि HIFI, तो ये एप्लीकेशन जो है ना आपके सामने शो हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पूरा नाम सर्च करना है हिफी बाजार। तो हम यहाँ पे हिफी, उसके बाद बाजार यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं BAZAR। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे ना तो ये एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसका जो रेटिंग है ना 4.1 की रेटिंग है, कोचो की काफी ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे इसका डाउनलोडर की बात करूं तो 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सी और रिव्यू पे क्लिक करोगे ना
तो आपके सामने बहुत से लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है कि एप्लीकेशन कैसी है, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों का रिव्यू पढ़ के आप लोग पता लगा पाओगे। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा कि मतलब क्या है, कैसे करना है, मतलब कुछ भी। अगर फिर भी मतलब इस एप्लीकेशन से रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल की घंटी भी दबा लो, ताकि पास नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है ना हमेशा मिलती रहे। और मिलते से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।